चिल्लाया तो बुढ़िया ने कहा तू भी चाणक्य की तरह से बेवकूफ। अंदर चाणक्य चंद्रगुप्त लेटे, चाणक्य ने सोचा ये बुढ़िया जानती है चाणक्य, मारे डर के भागे थे कहीं राज ना खोल दे। दूसरा ये लगा कि बुढ़िया चाणक्य को बेवकूफ कर रही है, बताइए अनपढ़ बुढ़िया चाणक्य को बेवकूफ कर। लेकिन चाणक्य अगर इसी बात को होते या तो वहां से निकल जाते, अरे भाई जासूसी कर दे, या ये अनपढ़ गवार बुढ़िया चाणक्य को मूर्ख कहती इसके रहने लायक है नहीं, कुछ बात जरूर होती। इसने चाणक्य को मूर्ख क्यों कहा? तो जब रोटी खाने लगे तो उन्होंने कहा कि मां चाणक्य को जानती हो? कहा सुना है कोई आया है नंदवंश की सत्ता को चुनौती देने, पाटन पुत्र जीतने, एक नया लड़का है उसको चंद्रगुप्त को राजा बनाने आया, उसको भी कहीं मरवा दे, सेना तुम्हारी की। क्यों मूर्ख है मां? बहुत बड़ा मूर्ख है। कैसे? जैसे ये बच्चा मूर्ख था, अगर इसने किनारे से रोटी तोड़ दी होती तो रोटी की सारी ऊष्मा निकल जाती, रोटी ठंडी हो जाती, एक एक टुकड़ा करके पूरी रोटी में कब्जा कर लेता। ऐसे अगर चाणक्य को पाटलिपुत्र जैसी सत्ता जीतनी है तो पाटलिपुत्र पर हमला करने आया था। अरे बाहरी राज्यों पर हमला करता, वहां विद्रोह है, असंतोष है, उनको अपने ओर मिलाता हुआ केंद्र तक आ जाता। चाणक्य ने वहीं से अपनी नीति बदल दी। जो माइल स्टोन है चाणक्य नीति, उस चाणक्य ने भी एक अनपढ़ आदिवासी जनजाति जंगलवासी अशिक्षित महिला से सीखा। नहीं लगता कि इस एक कथन में चाणक्य की नीति पूरी बदल गई? तो चाणक्य नीति का जो माइल स्टोन है, जो नींव का पत्थर, जिसको हम बिल्कुल कहते हैं कि बुनियाद है सभ्यता, वो बुढ़िया कहीं से कुछ मिल सकता है, और अगर मिल रहा है अच्छा वो आपके चरित्र में कहीं से कोई इजाफा कर सकता है, चरित्र निर्माण कर सकता है, उसको ग्रहण कर। और ऐसे ही आप धीरे 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 चीजें जुटाएंगे। एक दिन आप पता चला कि एक 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 स्लोगन, एक एक किताब जुटाते रहिए, आप बड़े ग्रंथालय के मालिक। तो फिर कोई बात आ जाएगी, फिर ऐसे में सिंहासन हो जाएगा, मेरे विभाग में भी मेरा काम इसी तरह से बहुत लंबा हो जाएगा। हमने